उत्तर प्रदेश विधानसभा की ये शानदार इमारत एक नए मुख्यमंत्री के इंतजार में है, लेकिन 325 सीटों पर कब्जा कर सत्ता में लौटी बीजेपी में अभी तक तय नहीं हो सका कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। गद्दी राजनाथ को मिलेगी या किसी और को? राजनाथ के करीबी समर्थन में तर्क दे रहे हैं, 325 विधायकों को कौन संभालेगा? यानी राजनाथ के अलावा कोई और ऐसा नेता नहीं जो इतने विधायकों को संभाल सके। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि केंद्र में मोदी पर नजर रखने के लिए संघ राजनाथ को यूपी की राजनीति में वापस नहीं लाएगा। यूं तो विधायक दल की बैठक 16 मार्च को होनी है, लेकिन ये भी तय है कि नाम पर अंतिम मोहर तो मोदी की ही लगेगी। ऐसे में किसी के भी नाम को लेकर कोई भी दावा नहीं किया जा सकता। 3/4 बहुमत से जीत के बाद बीजेपी पर यूपी को एक सशक्त मुख्यमंत्री देने का दबाव इस कदर है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को अचानक मुंबई जाना पड़ा, और सूत्रों के मुताबिक संघ के सह सरसंघ चालक भैयाजी जोशी और सह सर कार्यवाहक डॉक्टर कृष्ण गोपाल से उनकी मुलाकात हुई। बताया जा रहा है कि संघ के इन्हीं दोनों नेताओं को ही मुख्यमंत्री के दावेदारों को पास और फेल करने का जिम्मा मिला है। प्रोटोकॉल में संघ के शीर्ष पदाधिकारियों का स्तर बीजेपी के बड़े नेताओं से ऊपर होता है, चाहे वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही क्यों ना हो। लिहाजा किसी फैसले पर विचार विमर्श के लिए बीजेपी के शीर्ष नेता संघ पदाधिकारियों के पास जाते हैं, न कि संघ पदाधिकारी उनके पास आते हैं। मंत्री स्तर के फैसले बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व करता है, लेकिन बात जब मुख्यमंत्री तय करने की होती है तो इसमें संघ की सहमति जरूरी है। माना जा रहा है कि लखनऊ में शपथ ग्रहण समारोह 18 से 22 मार्च के बीच हो सकता है। एक कयास ये भी है कि संगठन से किसी को भेजने की तैयारी है जो मोदी की तरह दिन को न दिन और रात को न रात समझकर काम करने वाला हो। संघ से मुख्यमंत्री भेजने की तैयारी इसलिए भी है जिससे यूपी के पार्टी नेताओं में नाराजगी ना हो। उधर यूपी में विपक्ष का नेता कौन होगा, इसे लेकर भी कयासों का बाजार गर्म है। समाजवादी पार्टी यूपी में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन सपा मुखिया अखिलेश यादव ने चुनाव नहीं लड़ा, इसलिए वो खुद को विपक्ष के नेता के तौर पर आगे नहीं कर सकते। पार्टी के दो कद्दावर नेता हैं शिवपाल और आजम खान। शिवपाल और अखिलेश के बीच काफी तल्खी है। चुनाव से पहले और अब तक दोनों एक दूसरे को पार्टी में तनातनी को लेकर जिम्मेदार मानते आए हैं। ऐसे में अखिलेश कभी भी नहीं चाहेंगे कि शिवपाल विपक्ष का नेता हो, तो वहीं आजम खान हमेशा ही विवादित बयान देकर पार्टी का नुकसान ही करते आए हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अखिलेश कोई चौथा विकल्प ढूंढेंगे या अपमान का घूंट पीकर चाचा शिवपाल को विधानसभा में विपक्ष का नेता बना देंगे। यानी मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता की लड़ाई काफी दिलचस्प होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।